आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। मैं खलील मुकदम। मैंने आज एक वीडियो मेरे मोबाइल में वायरल हुआ, जिसको देखने और सुनने के बाद बेहद अफसोस हुआ। किसी को बदनाम करने के लिए सियासी तौर से कितना गिर जाती है, इसका मुझको बेहद अफसोस है कि जिसमें जिसका कोई रोल नहीं है, कोई इसके अंदर अमल दखल नहीं है, उसको बदनाम किया जा रहा है। शाहिद रेशम वाला जो कि आग लगने से ले कर बुझाने से ले कर और चंदा जमा करने तक और आज तक का वो मदद करते आया, और उसी को बदनाम करने के लिए जो हरकत की गई, वो बेहद अफसोस की बात है। और मुझको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ना सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उसका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको बदनाम किया जा रहा है, जो ये मुनासिब नहीं है। मैं आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो संजरी चौक के पास जहाँ पे आग लगी थी, वहाँ का जो रोड का मामला है, पिछले 8 साल से चल रहा है, और जो शाहिद रेशम वाले को बदनाम किया जा रहा है, ये इसका फिर इसमें इसका कोई रोल नहीं है। कभी हमारी इस आलू से कोई बात नहीं हुई। शाहिद रेशम वाले को अभी 4 साल हुआ है कारपोरेटर बने, और ये मामला मैं 8 बरस से चला रहा हूँ, तो इसमें उसका क्या संबंध आया? किसी से कोई मदद नहीं ली। मैंने तन तना ये काम किया है, और मेरे पास कोर्ट का पेपर भी है जो केस जीता हुआ है, ये कॉपी देख सकते हैं। ऑर्डर है कोर्ट का 6 मीटर को 9 मीटर से मिलाने का। केस दाखिल करने की क्या वजह तुम्हारी ये रोड के मामले को? ये केस दाखिल करने की वजह ये है कि वहाँ पे रोड ब्लॉक होने की वजह से बेहद तकलीफ़ का सामना है। डिलोरी का मामला हो, मैयत का मामला हो, और भी दूसरे बहुत सारे मामला थे जिसकी वजह से ना गाड़ी की आमदरफ्त हो पाती है, तो इसलिए वो रोड को खोलना बहुत ज़रूरी था, और वो साबित हो चुका कि रोड है और उस रेड मार्किंग भी लगी है। तुम्हारी जो लड़ाई है रोड की, रास्ते की, लेकिन इसमें तुम्हारे अपने इलाके के वार्ड के कारपोरेटर शायद रेशम वाले को टारगेट किया जा रहा है, इसको तुम कैसे देखते हो? नहीं, इसमें तो उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई मैं अपने जाती तौर से लड़ रहा हूँ, और पिछले 8 साल से ये मामला चल रहे। लेकिन शाहिद रेशम वाले का नाम जो इसमें बार बार लिया जा रहा है, ये कुछ लोग सियासी फ़ायदा उठाने के लिए उसके नाम को बदनाम किया जा रहा है, जबकि वो वार्ड में और बहुत सारी जगह पे मैंने खुद देखा है कि वो बहुत आगे बढ़ के मदद के लिए आए हैं, और वहाँ पे भी जो हादसा हुआ वहाँ पे भी काफ़ी मदद की है। अब अगर उसको बदनाम किया जा रहा है तो ये बेहद अफसोस की बात है। शाहिद रेशम वाले के वार्ड में मतलब उसके ताल्लुकात, उसके कामकाज कैसे है? कामकाज तो उसके बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कई इलाकों में उनका काम काज पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उनकी काम और उनकी तरक्की, वार्ड में उनकी बढ़ती इमेज को लेकर शायद कुछ लोगों को तकलीफ हो रही थी? हो सकता है, क्योंकि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके खिलाफ बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि अभी आने वाले इलेक्शन भी है, शायद उसके इलेक्शन तो बहुत करीब है, और उसका सियासी फ़ायदा कुछ लोग उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये वीडियो सुनने के बाद, ये रास्ते को लेकर जो कॉर्पोरेशन में आपने केस दाखिल की है, वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? वो कार्रवाई जो है मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफिसरों पे किया है, कॉर्पोरेशन पे किया है, पहले भी था और आज भी केस चल रहा है, लेकिन कॉर्पोरेशन अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, किसी के खिलाफ नहीं है, ना मैं वो जो लोग वहाँ रहते हैं उनके खिलाफ मैं कभी नहीं था, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन उस मामले को लेकर इतना विवाद पैदा हो रहा है, अब कुछ लोग सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं उसमें, तो बहुत ज़्यादा मामला करते रहते हैं, और ये आज से नहीं 8 वर्षों से चल रहा है, किसी ना किसी के खिलाफ कुछ ना कुछ मामला चलते रहते हैं। ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके ताल्लुक से तो मेरा ये बोलना है कि जो लोग इसका सियासी फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ कि ये लोग जो है, इनका तो बल्कि होना ये चाहिए कि यार ये जो जानकार लोग हैं वो समझ भी सकते हैं कि इनको ये सियासी फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। किसी को बदनाम करके इज्जत नहीं हासिल होती, ये बात उन लोगों को समझ लेना चाहिए।